ठीक है। और ये बेहतरीन कारकर्दगी जब आ गई तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी बदल गई और आपकी जिंदगी कामयाबी की तरफ बिल्कुल गामजन हो गई और मुसलसल मुसलसल रब के साथ कामयाबी की तरफ जाएगी जी। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की तालीम और तरबियत पर, और उस हवाले से मैं एक सवाल रखना चाहूँगी आपके सामने, बच्चों को कहना मानना कैसे सिखाएं? ये जो मसाइल हैं ये तकरीबन तमामी वालदेन के साथ होते हैं, वो अपनी ही बात मनवाना चाहता है और वालदेन अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सवाल रखा कि बच्चों को कहना मानना कैसे सिखाएं? इस सवाल का जवाब मैं और आप हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे और जो हमें फिर बच्चों की तरबियत करने में हमारे मददगार साबित होंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बचपन क्या है। बचपन क्या है? शीरख्वारी जो 2 साल तक की होती है, 2 साल की उम्र तक के लिए होती है, और अवाइल बचपन 2 से 6 साल तक की उम्र, और दरमियान बचपन 6 से 12 साल तक की उम्र, बलूगत 12 साल की उम्र। ठीक है। अच्छा जी, हमने जो भी नुकात जो डिस्कस किए थे, जो जिस पर हमने तबसरा किया था, जिसको हमने समझा था, वो था मजबूत सोच, मुस्बत ख्यालात। ठीक है, यानी मुस्बत ख्यालात हमें हमें जो है वो पुरुमीदी की तरफ लेके जाते हैं। जब पुरुमीद हम हो जाएंगे तो फिर हमारे तवक्कुआत और तरजीहात भी जो है ना वो पुरुमीद हो जाएंगी। तरजीहात से क्या समझते हैं आप? यानी बच्चा जो है वो चाह रहा है, जब हम सोना चाह रहे हैं या जब हम पढ़ना चाह रहे हैं तो बच्चा खेलना चाह रहा है, तो उस वक्त फिर आपने बच्चों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना है और साथ साथ उनको जो उनके जो अहमियत वाले जो काम हैं, उनके जो ज़रूरत के काम हैं, उनको मनवाने के लिए ये तरजीहात आपको करनी पड़ेंगी बच्चों की तरबियत के लिए। तो जब बच्चा ही हमारा मकसद है, बच्चे की तरबियत ही हमारा मकसद है, तो फिर तवक्कुआत और तरजीहात को भी हमें बदलना होगा। ठीक है, अपने काम को उनके कामों को अपने काम पर तरजीह देनी होगी। ठीक है, उनका काम पहले और अपना काम बाद में। अच्छा, तर्ज अमल, यानी हमने तर्ज अमल में हमने क्या सीखा था कि ज़िंदगी में काम करने के तरीक़े और जितने भी हम अमल कर रहे हैं उसके तरीक़े किस तरह के हैं। तर्ज अमल दरअसल ये है कि जो हम कह रहे हैं ना वो हम करके दिखा रहे हैं, यानी हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। हम नमाज़ पढ़ने का तो कहें लेकिन ख़ुद नमाज़ ना पढ़ें, हम सच बोलने का कहें लेकिन हम खुद सच ना बोलें, और जल्दी सोना जल्दी उठना हम बच्चे को तो सिखाएं लेकिन हम खुद ना कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, फिर दुआएं पढ़ना और भी बहुत सारे अमाल हैं, वो खुद तो हम ना कर रहे हों लेकिन बच्चों को कह रहे हों नहीं, तो वो तर्ज़ अमल को बदलना होगा कि हमारा रोल मॉडल बने हम। जब तर्ज़ अमल हमारा बदलेगा, जब हम उनके लिए रोल मॉडल बन जाएंगे, तो रवैया भी बदलता है ना, फिर बिहेवियर चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज होंगे तो फिर क्या होता है, कारकर्दगी बनती है, उन रवैयों से कारकर्दगी बनेगी, उस कारकर्दगी से फिर हमारी ज़िंदगी बदलेगी और ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाएगी। अच्छा, ये सारे मराहिल जो हैं वालदेन जब अपनी ज़ात में उसको जो है बिल्कुल दाखिल करेंगे, इसके मुताबिक अपने किरदार को ढालेंगे, तो बच्चों में एतमाद, फरमा बरदारी, इताअत गुज़ारी, हौसला मंदी जो है वो उनके अंदर पैदा होगी, और ये सब वालदेन के रवैये और किरदार के मुशाहदे से उनके अंदर पैदा होगी। जो वो ऑब्जर्वेशन जो उनकी होगी, जो वालदेन को देख रहे होंगे, जो करता देख रहे होंगे, तो वो वही करेंगे। यानी जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि तर्ज़ अमल असल में क्या है, रोल मॉडल। जी, हम तो बात कर रहे थे बच्चों की तालीम और तरबियत पर, और उसमें सबसे पहले जो हमने एक नुक्ता जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, मजबूत सोच मजबूत ख्याल। तो मजबूत सोच असल में ये है कि हमारे खुदा न खासा हमारे जहन में ये बात ना आए कि बच्चा अगर झूठ बोलता है तो हम ये कहें ये हमेशा ही ऐसा ही झूठ बोलता रहेगा, हम कहेंगे तो नमाज़ ही नहीं पढ़ता है, ये तो कहना ही नहीं मानता है, ये तो हमेशा ही से ऐसे ही रहेगा बस। ऐसा लगता है कि ऐसे मनफी जुमले हमने कभी भी नहीं बोलने, मनफी सोच इस तरह की हमें कभी भी नहीं रखनी। अच्छा, इसी को ही पुख्ता करने के लिए, इस मजबूत सोच को पुख्ता करने के लिए तो अपने आप को जांचना होगा। हमें ये नुकात हैं जिसके तहत हमें जांचना होगा, और उसमें सबसे पहला नुकता, इसमें जवाब देखें हमें किस तरह देने होंगे इन नुकात के। 5 जवाब मैं बता रही हूँ आपको, कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, ज़्यादातर और हमेशा। मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, अब इन में से कभी नहीं मानता, या कभी कभी, या अक्सर मानता है, ज़्यादातर नहीं मानता है, और हमेशा नहीं मानता है।
तो इसमें आप सिर्फ आप ये पहला दूसरा तीसरा नंबर पे आप टिक लगाएंगे तो जवाब पता चल जाएगा कि क्या है। इसको आप जांचिएगा अच्छी तरह से, फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके और आपके बच्चे के ताल्लुक़ की नौयत क्या है, कि आप अपने बच्चे से कोई बात मनवा सकते हैं या उसकी तरबियत करना आसान है कि मुश्किल है आपके लिए। मेरा बच्चा बहुत से मामलात में मुझसे बेहतर जानता है। अब मामलात क्या होते हैं? देखिए मामलात को मैं बेहतर जानने के लिए हमें उनसे मशवरे लेने होंगे, तजावीज़ लेनी होगी, रंग जायका या कोई मशवरा इस बारे में कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, कोई डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है या कोई जो है वो अपने ऑफिस में कोई वर्क करता है तो ऑफिस के कोई वाकयात, अपने कोई फील्ड के वाकयात जो है वो आके बच्चों से डिस्कस करे और उसके बारे में बच्चों से मशवरा ले। घर के मामलात में भी ले सकता है, घर के जायकों के लिए, घर के खाने के लिए ले सकता है, क्या पकाएं, तो उसमें पता चलेगा कि बच्चे की जो मामलात हैं यानी उसका मशवरा, उसका देना, उसका तजवीज़ देना कैसा है, बेहतर है कि वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या है, लगता है कि कभी नहीं लगता आपको कि उनके मामलात में वो हमसे बेहतर है, या कभी कभी लगता है, या अक्सर लगता है, ज़्यादातर लगता है, या हमेशा लगता है? मेरा बच्चा मेरे डांटने पर भी नहीं सुनता, यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इतनी ख़राब हालत है कि मेरा बच्चा मेरी डांटने के बावजूद भी मेरी नहीं सुनता है ना। हम ये सोचे कि मेरा बच्चा जो है वो डांटने पर भी मेरी बात नहीं सुनता, तो फिर क्या है हम, यानी ये तो बहुत बड़ी ही ख़राब सूरत हाल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे लिए नमूने तकलीद हैं, हमें उनकी नकल करनी है पूरी ज़िंदगी में। तो डांटना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने 10 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनको डांटा नहीं, कभी उनको मारा नहीं, ठीक है, कभी ऊँची आवाज़ में उनसे बात नहीं की। तो हमें तो वही तर्ज़ अमल अख्तियार करना है ना। लेकिन फिर भी चलें, ये आपको जब इनके जवाब ढूंढेंगे ना आप इनकी रोशनी में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। बच्चे से बात मनवाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि आप झूठ जो है वो मजाक में भी झूठ ना बोलें, बच्चे को बहलाने के लिए भी झूठ ना बोलें। तो झूठ का तो हमें उनको मना करना है बोलने से, तो हम तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। बहरहाल ये भी इन जवाब के ज़रिए आपको पता लग जाएगा इस की सूरत में। पाँच वक्त मैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की मिसालें देता ये देती हूँ। अब मिसालें देना क्या होता है, जैसे कोई कज़न है उनका, उसका ईवन ग्रेड आ गया है और आपके बच्चे का सी ग्रेड आया है, आप उसको मिसाल दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कज़न की मिसाल से जो है वो डिसार्ट हो जाए। हाँ, आप उनकी मिसालें दे सकते हैं जो साइंसदान हैं, जिन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं, या बड़े बड़े लोग जो साइंसदान गुजर चुके हैं, या जो भी हैं बड़े बड़े जो जिन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं, या कुछ और वाक़ तो अपने सहाबा की मिसालें, अपने नबी के नबियों के किस्से सुना सकते हैं, उसमें उनके बहादुरी के किस्से सुना सकते हैं, उससे मिसालें निकाल कर उनको समझाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी उम्र का ही हो उनके साथ मुकाबला करके हम उनकी मिसालें नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, बच्चे की जो ज़हनियत है वो डिसहार्ट हो जाता है, उसका दिल टूटता है। ठीक है ना, ये भी इसकी रोशनी में आपको पता लग जाएगा। छठा क्या है, मैं इनाम का लालच देकर कहना मनवाती या मनवाता हूँ। अब इनाम यानी हमें पता चल गया कि उसको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ख्वाहिश है उसको, तो हम उसको उसी इनाम का लालच दे दें और फिर अपनी बात मनवा लें। लेकिन ये कि हर दफ़ा हर वक्त इनाम देकर ही अपनी बात मनवाना, तो वो सिर्फ लालच की खूबी को उसके अंदर पैदा करेगा, उसके अंदर वो वाली बात नहीं आएगी, आपका एहसास नहीं होगा उसको, आपके साथ मोहब्बत का एहसास नहीं होगा, आपकी ज़रूरत का वो ख्याल नहीं रखेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ कि बस वो लालच ही करेगा कि बस हर वक्त उसको इनाम ही मिले। उसको इनाम अगर दिलाना भी है तो उसको ये वाला इनाम दिलाना है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि कुरान में कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का, तो वो अब क्या है, उसको इनाम मिलेगा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में जगह मिलेगी। उस इनाम की, जन्नत के इनाम की आपको जो है उनकी आदत डालनी है और उसकी तरबियत करनी है जन्नत के इनाम की। सातवां क्या है, मुझे कहना मनवाने के लिए बच्चे को मारना पड़ता है। खुदा ना खास्ता ये मारना जो है ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ही ख़राब हालत है ये। ऐसा तो नहीं कि यानी कभी नहीं मारना पड़ता, या कभी कभी मारना पड़ता है, या अक्सर मारना पड़ता है, या ज़्यादातर मारना पड़ता है, या हमेशा मारना पड़ता है, ये दोनों तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होंगी। बहरहाल इनमें से जवाब जो आप लिखेंगे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्कोर क्या है। अगर तो इन नुकात की रोशनी में आपका 7 स्कोर होता है तो इसका मतलब है कि आपका और आपके बच्चे का ताल्लुक ऐसा है कि आपकी तरबियत करना आपके लिए बहुत आसान है, वरना आपके लिए मुश्किल है। बहरहाल ये इस तरह से आप अपने आपको जांचिए, इंशाल्लाह ताला आगे
इसके मॉड्यूल टू, ये था मॉड्यूल वन जो मैंने आपके सामने पेश किया बच्चों की तालीम तरबियत के हवाले से। इंशाल्लाह आइंदा हम मॉड्यूल टू पेश करेंगे। शुक्रिया।